चला गया है उसी से ही जो सप्लाई नहीं हुई वो उसी से ही नहीं हुई, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पूर्ण रूप से। और यहाँ पर भी हमने देखने को मिला है कि जो तीमारदार यहाँ पर आ रहे हैं, क्या इतने बड़े हॉस्पिटल में उनके लिए यही एक जगह है? इस हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई वो नहीं है। और मेडिकल कॉलेज तो ये होता है कि पूरी रिसर्च ये इन बच्चों पर कर रहे हैं, और जो यहाँ से डॉक्टर जो बनकर जाएंगे वे बहुत बड़ी बड़ी सैलरी पे फिर जाएंगे, और उनके लिए मतलब रिसर्च सेंटर एक किस्म से ये होगा। और इन्होंने ये भी देखा कि ऑक्सीजन के बगैर बच्चे यहाँ पे किस तरह से मरे गए। एक चीज बताइए, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी जो थे उन्होंने जिंदगी भर अपने किसानों की लड़ाई लड़ी, समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ी, इसकी लड़ी, लेकिन आज जो स्वास्थ्य है ये ग्रामीणों का स्वास्थ्य है, गरीबों का स्वास्थ्य है, उसके लिए एक क्या आप लोग कोई भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से ये करी है कि स्वास्थ्य पूर्ण रूप से फ्री होना चाहिए, जैसे फसल बीमा योजना इन्होंने चलाई है, ऐसे ही किसान और जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका 5 और 6 रुपए पे पूर्ण रूप से हेल्थ इंश्योरेंस उनका होना चाहिए, ये पॉलिसी हमने सरकारों को लिख के दी है। ये जूनियर डॉक्टर यहाँ पर अक्सर मरीज के परिजनों से मारपीट करते रहते हैं, वो देखेंगे जी उसकी करेंगे, अगर इस तरह का करता होगा तो पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन इनके साथ में खड़ी हुई है, और ये अत्याचार इनके साथ में नहीं होने देंगे। और जो हालात ये हैं ये कोई रहने के हालात नहीं है, जिस तरह से ये बना रखे हैं इन्होंने, एक ही उसमें सब लोग लेट रहे हैं, तो आप दीवी बारी तो वैसे ही हो जाएगी यहाँ पे भाई, इनके लिए खुला सेट डलवा, तो कोई जगह की कमी थोड़ा है यहाँ पे। किस हिसाब से मतलब उनके क्षेत्र में उनका शहर में अगर ये हालात हैं तो दूसरी जगह तो क्या हालात होगी? ये पूर्ण रूप से हम इसके जो यहाँ पे स्टाफ है, जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के जो ये हैं, हम उसके पूर्ण रूप से विरोध में हैं। जिस तरह से यहाँ बच्चे की मौत हुई है ये एक जंगे अपराध है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और पूर्ण रूप से निंदा का विषय है जो इनके परिजनों के साथ में जो व्यवहार होता है, इसका पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन संज्ञान में लेगी। हमारे लोग आने के यहाँ पर देखेंगे, इनको वीडियोग्राफी करेंगे, और इनका जो भी इलाज हमको करना होगा, हमने तो सरकारों का इलाज कर रहे हैं, ये तो मेडिकल का स्टाफ ही है। धन्यवाद।